सभा इस बात से बहुत दुखी है और नाराज है कि हमारे सिटिंग राज्यसभा के सदस्य आर के सिन्हा को नज़रअंदाज किया गया और उनको दूसरा टर्म जो मिलना चाहिए था वो उनको नहीं दिया गया। हमने देखा है कि कांग्रेस महासभा को धीरे धीरे भाजपा ने दरकिनार करना शुरू कर दिया है, शायद ये समझ करके कि हम उनके बंधुआ मजदूर हैं। तो ऐसी स्थिति में, जबकि ये स्थिति होती थी कि जब संविधान सभा बना था तो मेरे दादाजी उसके सदस्य थे और उस वक़्त उस संविधान सभा में जो के करीब 380 या कुछ सदस्य होते थे, उस समय भी वहाँ कायस्थों की संख्या 22-24 हुआ करती थी पूरे भारतवर्ष में। बिहार में 52 जो पहला चुनाव हुआ तो हर पार्टी को मिला करके 50 के करीब हमारे समाज के लोग थे और धीरे धीरे हमारी संख्या घटते घटते अब ये हो गई कि हम 1-2-3 पे आ गए। और राजनीति में हमें नज़रअंदाज करने का नतीजा तो आप लोग देख रहे हैं कि लोकसभा में, स्टेट असेंबली में गमले फेंके जाते हैं और जहां सार्थक बहस होना चाहिए वहां इस तरह के गुंडागर्दी की जाती है। हमारा समाज 100% शिक्षित समाज है। हम चाहते हैं, हमारा ये मानना है कि हमारे समाज को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है और हमें भाजपा से उम्मीद था कि वो इस पर खड़े उतरेंगे, क्योंकि उनका जो एक जो स्लोगन है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो आज कायस्थ महासभा ने अपना विश्वास अवश्य खो दिया है। 2020 में इलेक्शन है, आगे क्या 2020 के इलेक्शन के लिए अब हम लोगों ने हमने बात की है ऑल इंडिया बेसिस पर और हम एक बहुत जल्द एक आध महीने के अंदर में प्लान करके कहीं एक ऐसे जगह, चाहे ज़्यादा संभव है कि पटना में ही हम उसको करें, क्योंकि मैं खुद पटना का निवासी हूँ, एक चारों ओर से हम एक कायस्थ संसद कदम में बुलाएंगे, सबों से सबका विश्वास लेंगे, सबसे बात करेंगे कि हमारी इस 2020 के चुनाव में क्या भूमिका होनी चाहिए असेंबली इलेक्शन। तो जैसा उन्होंने कहा कि कायस्थ समाज लालू यादव के साथ भी जा सकता है, निर्णय जब होगा तो जाएगा। निर्णय अगर विश्वास से निर्णय होगा तो हम लोग विश्वास घातक लोग नहीं है ना, तो इसलिए जो निर्णय होगा, अगर नोटा का निर्णय होगा तब जाएंगे, नोटा में जाएंगे। आज भी कायस्थ समाज की अछूत नहीं है हमारी। देखिए राजनीति में सारे लोग जानते हैं कि राजनीति क्या चीज़ है और राजनीति में जो पकड़ा गया वो चोर है, जो नहीं पकड़ा गया वो बहुत ईमानदार हो जाता है। और राजनीति जिस ढंग से, जिस तरीके से चल रही है, जिस उसमें कहीं से सब जानते हैं कि कोई पवित्रता नहीं है राजनीति की, गंगा की धारा नहीं है। और राजनीतिक लोग ये भी कहते हैं कि हम लोग तो राजनीति करते हैं, मतलब कि हमको राजनीति में सब कुछ जायज है। सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है राजनीति में अगर ये अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की जो राष्ट्रीय समिति है और कई दूसरे ऐसे बहुत विशिष्ट लोग हैं जो उस बैठक में आएंगे, और अगर ये निर्णय होता है, जो भी निर्णय होगा उस निर्णय के अनुसार हम काम करेंगे। हमारे लिए लालू यादव या कोई भी अछूत नहीं है। हमारी अस्मिता सवाल हम चाहते हैं। हम जानते हैं कि पार्लियामेंट और हमारा संविधान
इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि कोई एक व्यक्ति या कोई एक पार्टी या कोई एक जात उसको संचालित नहीं कर सकता। अगर कोई गलत कर रहा है तो गलत होगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है और स्थापित है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के पास के सामने में एक लकीर खींची हुई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।